आगामी ईद उल जुहा त्योहार के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1 अगस्त व 2 अगस्त को लॉकडाउन हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि यह मांग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने की है। हाजी इकराम कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाली 1 अगस्त को ईद उल जुहा का त्यौहार है। मुस्लिम समाज के लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो लोग कुर्बानी किस तरीके से कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने मीडिया से माध्यम से सरकार से मांग की है कि वह 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार भी लगने चाहिए। साथ ही कहा कि अगर लोग पशु को लेकर जाएं तो उन्हें नहीं रोका जाए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कि इस महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ईद की नमाज पर दुआ की जाए और कोरोना समाप्त हो जाए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। देखिए, मुसलमानों के दो बड़े त्योहार होते हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। ईद उल फित्र हमारी संपूर्ण लॉकडाउन में गुजर गई, हमें पता नहीं चला कि किधर ईद आई और कहाँ चली गई। ईद उल अजहा पर 3 दिन का त्यौहार होता है, हम सरकार से मांग करते हैं ईद उल अजहा पर 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगने से लोगों को परेशानियां आएंगी, ईद नहीं मना पाएंगे। सोशल डिस्टेंस के साथ हमें ईद मनानी है, कुर्बानी करनी है। मैं मांग करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ईद उल अजहा पर 2 दिन का लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। सर, मस्जिदें और ईदगाहां पर जो पाबंदी नमाज के लिए लगी है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बीमारी को देखते हुए, महामारी को देखते हुए बिल्कुल हम घरों में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन का लॉकडाउन सरकार को बिल्कुल हटाना चाहिए ईद उल अजहा को ध्यान में रखते हुए। सर, 5 अगस्त को अयोध्या में जो है राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस वक्त भी हमने सब्र किया, और अभी ये 5 अगस्त को जाए या 10 अगस्त को जाए, हम तो सब्र ही कर सकते हैं। इसके साथ ही सर, अब ये कुर्बानी के जानवरों को लेकर के बाजार भी नहीं लगाए जा रहे हैं और नहीं लगने दिए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ बाजार भी लगने चाहिए, और अगर कुर्बानी के पशु को लोग लेकर जा रहे हैं अपने घरों को बाजार से, तो उसे पुलिस ना रोके, पुलिस उनको परेशान ना करे, ये भी जरूरी है। अभी भट्ट साहब का एक बयान था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए और सभी को नमाज पढ़ा जाए ईदगाह के अंदर, जिसमें काफी, उसमें क्या आपका क्या कहना है? देखिए, इस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, सामूहिक कोई काम नहीं होना चाहिए। मस्जिद और ईदगाह खोलने की मांग की थी भट्ट साहब ने। मस्जिद तो खुली भी है, 5 आदमी नमाज अदा कर रहे हैं। सामूहिक मतलब पूरी इज्तमाही तौर पे नमाज सफ के साथ अदा करने की मांग की थी, और काफ़ी इसको लेकर के ट्वीट्स वगैरह चली थी, इसमें क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं या आपका क्या कहना है? नहीं, मैं भट्ट साहब के बयान का समर्थन करता हूँ। भट्ट साहब ने जो मांग की है, उन्होंने साथ ही साथ ये भी तो कहा है कि हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। हो सकता है ईद की नमाज हम लोग सामूहिक पढ़ें और उसमें दुआ करें और कोरोना का खात्मा हो जाए। आपकी तरफ से मैसेज कोई सी पैगाम इस खास मौके पर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंस रखें, कुर्बानी करें और घरों में रहें लोग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.